हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग है टनल के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। मैंने कहा पहले मैं ऊपर पहुंचती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और मैं ठीक टाइम पे पहुंची हूँ। अभी मेरे पास पूरे 7 मिनट है, मैं आराम से जा सकती हूँ। और टनल वाला रास्ता नज़दीक है, जल्दी पहुँच जाते हैं, इसलिए आराम से जा सकती हूँ मैं। ऐसा कोई वो नहीं, मुझे भाग भाग के जाना पड़ेगा कल की तरह। कल तो मैं थिक्की भागी थी इधर से। हाय, चलो होगी टनल क्रॉस। तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुँची, इसको बोलते ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। बस भी चल पड़ी, मैं भी बैठ गई बस। टनल के आने का ये फ़ायदा है, टाइम से पहुँच जाते हैं। नहीं तो मैं कल रोड से आती पूरा घूम घाम के, और मैं हमेशा लेट होती बड़ी रही। पहले मैं जल्दी निकल आती थी रूम से। आजकल तो समझ नहीं आता किस बात की लेट होती है। चलो जो भी हो, फिलहाल पहुँच गए, बस 2 दिन और। चलो, सर्दी में यही तो इशू रहता है, सुबह सुबह सर नहाना, हेडेक हो जाती है। तो मेरे को सबसे हेडेक स्टार्ट हो गई गिल्ले वालों को, तभी मैं बांध भी नहीं आई थी, क्योंकि बिल्कुल गिल्ले थे और अब हेडेक स्टार्ट हो गई। ये देखो अंकल ने आज भी मुझे सेंटर रोड दिया, वो भी 2-2। लोग बस से उतर चुके हैं और आज इतने सारे हैं साथ में, अदरवाइज मैं अकेली होती थी। आप लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। लास्ट दिन नहीं सर, आज तो 3rd लास्ट डे है। हाँ, अभी 2 दिन और है। तो देखो बस में मैंने बाल बना दिए बैठे बैठे। सूख तो गए थे बाल मैंने, का ऐसे खुले खुले अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर अब से बेली करी यहाँ से आगे आगे से छोटी छोटी, फिर बाल रबड़ बांध दिया। चलो जी, और जो बाकी बच्चे हैं वो दूसरी बस में, जो कि हमेशा का है। और कुछ बच्चे तो वहीं से ही आते हैं, दो कदम मतलब 10 कदम की दूरी उनका। और जिस जब हम अभी पहुँचते हैं, उस टाइम हम ब्रश कर रहे होते हैं हमेशा। ऐसा कोई दिन नहीं होता, कोई ना कोई तो बाहर खड़ा होके ऐसे लगा होता है ब्रश करने। मैंने कहा हद है यार, मज़े है मतलब तुम्हारी। हमारे को 1 घंटे पहले आना पड़ता है, क्योंकि वही है कि हम लोग 8:40 पे वहाँ से चलते हैं और यहाँ पे 9:40 पे पहुँचते हैं। पूरा 1 घंटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, दोबारा गुड मॉर्निंग। क्या बोला आपने? हाय। अपना बैग इधर, बाकी धूप में चलते हैं। तो क्लास में पहुँच गए और बॉयस धूप सेकने चले गए, मैं भी धूप सेकने जा रही हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। बोतल नहीं लेके आती मैं। चलो धूप सेकते आराम से। इतना प्रोफेशनल नहीं बनना। सारे गिरेगी चाय की नदियाँ। तो अभी तक सब अब अपना काम कर रहे थे, अब जस्ट रिसेस हो गई है। और नहीं, वो तो अभी भी कर रही है, बट मैंने भी अपना काम बंद करके साइड में रख दिया। हाँ, और बाकी लोगों ने भी सबने बंद कर दिया, सब तू बची है। लो 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 सर, देखो देखो विजय सिंह को देखो आप, एक्सपर्ट बंदे। चाय देने में एक्सपर्ट। तो आज यशपाल सर का बर्थडे है, तो उन्होंने अभी क्या मंगाया, ब्रेड पकौड़े, चाय और पकौड़े मंगवाए हुए, तो वो ही अभी सर्व किए जा रहे हैं। सब खाएंगे, मजे से एंजॉय करेंगे हम लोग भी। देखो काम, सबका काम भी चल रहा है, अभी खाना पीना भी हो जाएगा। चलो हमारा भी ब्रेड पकौड़े और चाय इधर है, खाते हैं फटाफट से। क्या नील सर पकौड़े बांटते हुए।
वो देखो भाई, उनको भी पता है कि लास्ट डेज है। ये पाल सर ये वाले मोनिका मैम जलेबी लेके आए हुए आज। सर का केक आ गया, सारे के सारे खड़े केक काटने के लिए। जोर से सब गाएंगे ना, तो जोर से। हाँ जी सर, तो अभी केक कटिंग कर रहे थे सारे। रोहित सर तो अपने को स्टार्ट हो जाते बिना गाने के। अच्छा चलो, ग्रुप फोटो की बात दी आई सांगता की। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ग्रुप फोटो लेते अभी। केक विद आवर प्लेट्स, हैंडमेड प्लेट, जुगाड़। हाँ जुगाड़ प्लेट रख दी, उससे फटाफट से प्लेट छुपा दी। अदिति ने हाँ दिखा, चम्मच दे मेरे को। डस्टबिन देखो हमारा। तो हमारा सेलिब्रेशन हो चुका है और हम चले हैं बस की तरफ। बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। और ये मोटा जी की तलवार। और आज ये लास्ट सेलिब्रेशन था क्योंकि यशपाल सर का बर्थडे था आज, तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बस केक काटा, पहले उन्होंने वो मंगवाए थे पकौड़े वगैरह, चाय वगैरह, वो खाया पिया। और फिलहाल अभी चलते हैं। हाँ बस ये है कि लास्ट सेलिब्रेशन था हमारा टीपी का, बाकी बर्थडे लास्ट। हाँ लास्ट बर्थडे था। अब दो दिन रह गए यार। खत्म कहानी। चलो मज़े में रहा हमारा, जो भी रहा जैसा भी रहा, जितना टाइम भी था मज़े में बिताया। सबको इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, सारे के सारे यहाँ पहुँचे हुए होटल में। चार गिलास पी लिए। अरे बाप रे, तृप्ति सच में सबको इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी ना, उफ यार उफ। अभी दो जने वहां पे खड़े थे कि बोतल में लेके आना, पर दोनों जने बोलते आ रही लेके आना, पर ठीक है। हाँ यहीं से हम लोग चाय समोसे सब कुछ ऑर्डर करते हैं अपने, ब्रेड पकौड़े पकौड़े, और बहुत टेस्टी होता है। चलो प्यास लग रही थी यार। सारे के सारे बस का वेट करते हुए, मोनिका जी भी पीछे का, बट दिख नहीं रहे हो उधर है। हाँ सुबह से लेकर अंकिता, मोहित सर आ गई फाइनली बस। ये सी भी अदिति के पास रुकनी आ गई, मोटा के पास। अच्छा और भी कुछ नहीं, अंकल ने रोकनी यहीं पे ही है, देख लो ला। एंड द आंटी को क्या दिक्कत है, अरे व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं वो जो। अरे मजाक नहीं, सच्ची सच सच्ची कर लिया। हाँ मैं नहीं बोला, जाओ जाओ जाओ। हाँ चलो चलो पीछे सीट पे खा ले यार, एक तो ये सीटों से ऊपर नीचे आगे पीछे। अरे मैं जाओ नहीं जाओ वह मोट है, चल पड़ो उठ जाओ बोल रही हूँ अभी। इनको सीट नहीं मिल रही, सीट सारी की सारी खाली है, हद है। पीछे से तबीयत खराब होगी, जानते हो मुझे तबीयत खराब होगी हमारी। तो आज हमारे साथ रोहित भी है। सारे तो
तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर और बैठी अपने बिस्तर पे। शाम तक तसा भूत बन जाता है ना। बट ये था कि आज का दिन बड़ा मस्त रहा, मज़े में रहा, और थर्ड लास्ट डे था आज। सब लोग ऐसे थे, हाय अब हमारे सिर्फ दो दिन बचे यार। सोच सोच के ऐसा लग रहा है सिर्फ दो दिन बचे टीवी के। चलो कोई नहीं, होता रहता है। तो आज का दिन मज़े में बीता और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना। और जो चैनल पे न्यू आता है या फिर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।